खबर है करनाल की, जहां अतिथि टीचर संघर्ष समिति की ओर से आमरण अनशन शुरू किया गया है, जिसके तहत एक अतिथि अध्यापक आमरण अनशन पर बैठ चुका है। अध्यक्ष मैना यादव ने कहा कि अभी संघर्ष समिति द्वारा एक अध्यापक को आमरण अनशन पर बिठाया गया है। अगर मुख्यमंत्री उनकी मांग को पूरा नहीं करते तो आगे और भी अध्यापक आमरण अनशन पर बैठेंगे और सरकार को अतिथि अध्यापक की मांग पूरा करने के लिए मजबूर कर देंगे। वहीं सोमवार को अतिथि अध्यापक संघ के बैनर तले सेक्टर 12 पेट्रोल पंप के सामने धरना जारी रखा गया एवं एक अतिथि अध्यापक आमरण अनशन पर बैठा रहा। इस मौके पर अतिथि अध्यापक संघ की प्रदेश अध्यक्ष मैना यादव ने बताया कि अध्यापकों द्वारा अपने खून से खत लिखा गया है, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेजा जाएगा और अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए पुरजोर संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार के विरोध में कड़ा रुख अपनाएंगे और मांगे पूरी होने तक अपना अनशन जारी रखेंगे। इस अवसर पर पूरे प्रदेश से आए हुए अतिथि अध्यापकों ने धरना स्थल पर प्रदर्शन किया एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खून से खत लिखकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अतिथि अध्यापक मौजूद रहे। किस तरह एजुकेशन कर रहे हैं? जो आमरण अनशन का है, दूसरा दिन है। आज हमने माननीय जो मुख्यमंत्री है और अपने जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको भारत सरकार से, उनको हमने अतिथि अध्यापकों ने जो महिलाएं हैं मेरे साथ, उन्होंने अपने खून से लेटर लिख के अपना जो नियमितीकरण की जो मांग है उसको उठाया। क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से आप? हम इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो हरियाणा सरकार ने हमसे जो वादा किया था सत्ता में आने से पहले भी और सत्ता में आने के बाद भी, उस वादे को पूरा करना जो हमारे साथ वादा खिलाफी की है, नियमितीकरण की मांग को लेकर हम आज फिर दोबारा से आमरण अनशन पे महापड़ाव में सीएम सचिव में आए हैं। तो हम हरियाणा सरकार को उनकी जो वादा खिलाफी है उसको याद दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज कितने आदमी बैठे हैं आमरण अनशन? ये हमारे एक साथी है, उनका नाम राजकुमार है, ये क्षेत्र जिले से है, ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे जी आप बैठे हैं, क्या मांग लेकर बैठे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि क्षेत्र सरकार जल्दी ही जल्दी लेटर जारी करे, बड़े जो एक्ट बनाया उसका समान काम समान वेतन का। इसके अलावा और हमारी कोई डिमांड नहीं है। केंद्र सरकार बार बार झूठ बोल रही है, पीएम भी झूठ बोल रहा है, सीएम भी झूठ बोल रहा है। इतने गरीबों को होने के बाद भी जो सरकार झूठ बोलती है और हमें बहुत परेशान किया जा रहा है 14 सालों से। जब हम बराबर काम करते हैं तो बराबर काम बराबर वेतन क्यों नहीं है? सरकार ने एक्ट भी बना दिया, वो ऐसा ढिल्ला मुल्ला एक्ट बनाया, उसका कोई फायदा नहीं होया। उसके बाद भी जो हमारे जेबीटी टीचर हैं अभी ट्रांसपोर्ट ड्राइव में, उनको वैकेंट पोस्ट मार रही है, मांगे नहीं जारी कर देते हैं, कभी मांगे नहीं मानी जाती है, तो विधानसभा चुनाव सिर्फ है, क्या फैसला करेंगे आप? क्या हमारा ये अनशन जारी रहेगा लास्ट तक, जब तक सरकार लेटर जारी नहीं करती? हाँ जी, क्या यूनियन क्या फैसला करेगी आपका? विधान कोई भी कड़ा से कड़ा कदम उठा सकते हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए। जो वादा किया भाजपा सरकार ने उसके लिए, वो तो समय ही बताएगा जी। आप सोच भी नहीं सकते और न ही सरकार सोच सकती, हम कोई भी कड़े से कड़ा कदम उठा सकते। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।